माई चैनल। वेल, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि केएफसी का खाना बहुत यम है, कोई कहता है बर्गर किंग का खाना बहुत अच्छा है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों आउटलेट के खाने को टेस्ट करूं और आपको रिव्यू दूं कि ये खाने कैसे हैं। वेल, आई एम गोना रिव्यू द फूड ऑन द बेस्ड ऑफ टेस्ट, क्वालिटी एंड द प्राइस। सो मैं ज्यादा बटर बटर नहीं करके सीधा अपने वीडियो के अंदर चलती हूँ। So now, first I'm gonna review their burgers. So यहाँ पे मेरे पास है वेज गूगा बर्गर एंड यहाँ पे है मेरे पास वेज जिंगर बर्गर। So वेज गूगा बर्गर मेरे को पड़ा 149 रुपीस का एंड द केएफसी बर्गर विच इज द वेज जिंगर बर्गर वो मुझे पड़ा 151 रुपीस का। So आप चलिए इन्हें खाते हैं और देखते हैं what it tastes like. So first I'm gonna start with KFC burger. Looks tempting though. But पहले तो मैं इनके अंदर दिखाती हूँ कि ये क्या लेते हैं। इसके अंदर है सिर्फ एक lettuce, I think, yeah, sauce, and you have this patty. बस 149 में और कुछ नहीं। चलिए पैटीज को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा लिटिल कम लिटिल क्लोजर, इसके अंदर आई कैन सी अनियंस है एंड पीस है, दैट्स इट, एंड आलू। मुझे और कुछ याद है, सम कैरेट्स एज वेल, बस और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। So now let me try and taste and tell you कि taste में कैसा है। Take a big bite. अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो जो पैटी है वो आप जैसे घर पे बनाते हो ना, आपके मॉम या आपके फैमिली मेंबर कोई भी, सो पैटी का टेस्ट वैसे ही आ रहा है। बन जो है आई डोंट नो, मैंने इतनी लेट से खाया है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, थोड़ा हार्ड सा फील आ रहा है मुझे। सो या इट्स ओके ओके। Now let's see what Burger King have to serve us. So इनका ये वेज गूपर बर्गर मैं ट्राई करके बताती हूँ। Wow, the first thing which is attractive about their burger is the packing. इनकी पैकिंग देखिए कितनी अच्छी तरीके से आई है, रैप होकर, जो KFC में मुझे एक डिसएडवांटेज दिखा। Wow, can you look at the sesame seeds? Just burger के ऊपर है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। Wow, lots and lots and lots of lettuce. They have onion, some jalapenos, and इसकी पैटीज काफी सॉफ्ट लग रही है मुझे। वाओ, जस्ट लुक इनसाइड। इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉर्न है, ये देखिए भर भर के कॉर्न है, कैरेट्स है, बीन्स है, एंड दे हैव इवन हैव सम सॉर्ट ऑफ मसाला। ये देखिए यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ मसाला एज वेल। वाओ, ये तो काफी टेम्पटिंग लग रहा है मुझे। फिर मैं इसे ट्राई करके बताती हूँ। इसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा हो सकता है। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं और बताते हैं टेस्ट। इसका भी बिग बाइट लेना पड़ेगा।
अमेजिंग। इसका पैटी का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत यम है। इसका बन बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रहा, बहुत सॉफ्ट है। इसमें जो इतने सारे वेजीज इन लोग ने डाले हैं, सर हर एक वेजी का ना टेस्ट आई कुड फील इट। सो अगर आप मुझसे पूछे, बिकॉज कॉस्ट डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इफ यू आस्क मी अबाउट द टेस्ट, फर्स्ट बर्गर किंग थम्स अप। क्वालिटी अगेन 151 रुपीज में, लेट मी चेक, आई थिंक इट इज 151 राइट, नो इट इज 149, सॉरी 159 केएफसी है, 149 में इन लोग बहुत अच्छे से अंदर फीलिंग्स दे रहे हैं जो केएफसी में मुझे मिसिंग लगा। टू एंड थर्ड, अगेन प्राइसिंग के हिसाब से 19-20 का फर्क है, लेकिन इन लोग ज्यादा सब चीजें अंदर दे रहे हैं अपने बर्गर के अंदर। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थम्स अप फॉर द बर्गर किंग। नाउ आई एम गोना रिव्यू द सेकेंड आइटम। सो नाउ आई एम गोना रिव्यू देयर वेज बोल्स। सो ये केएफसी का वेज बोल है और ये बर्गर किंग का। सो केएफसी का जो बोल है, वेज बोल, मुझे पड़ा 141 रुपीस का, एंड बर्गर किंग का जो राइस बोल है जिसका नाम है पेरी पेरी राइस बॉल, वो मुझे पड़ा अराउंड ओनली 50 रुपीस का। सो नाउ आई एम गोना टेस्ट एंड लेट यू नो कि ये कैसा है, राइट? सो पहले लेट्स डिग इनटू केएफसी। ओके सो इनके राइस बोल में आई कैन सी दे हैव कैप्सिकम, एंड नीचे आप देखो भर भर के ये मसाले हैं, विच आई थिंक यू गॉट अ मिक्स बिफोर ईटिंग। देखकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगेन पैटी जो है काफ़ी सॉफ्ट है। वाओ, इनके इस पैटी के अंदर आई कैन सी कॉर्न है, पीस है, एंड ऑब्वियसली ये पोटैटो से बना हुआ है, तो ये पोटैटो पैटीज है। एंड हाँ, इस पैटी में आई गेस या दे हैव सम मसाला एंड पेरी पेरी एज वेल। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मसाला अगर आपको नजर आ रहा हो। सो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हाउ इट टेस्ट। मिक्स दिस मसाला, मुझे अभी तक सिर्फ कैप्सिकम ही दिखा है और कोई दूसरा वेजी इसमें दिखा नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी, लेट मी ट्राई। ये थोड़ा टैंगी है, थोड़ा स्पाइसी है, मींस अगर जब मैंने इसके अपने मुंह पे लिया ना तो एकदम टेस्ट बड को इनहांस कर दिया मेरा, तो आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। Now let's try with the patties. ये काफी अच्छा लग रहा है, and that tanginess is really enhancing my taste buds. और ये बहुत ही soft है, बिल्कुल भी soggy नहीं हुआ है और बहुत flavorful है। Thumbs up. Now let's try Burger King. Burger King के इस राइस बोल में इन्होंने फ्रेंच फ्राइज दिया है, एंड इनके राइस में आई कैन सी सम कॉर्न्स, आई कैन सी सम कॉर्न, बस सिर्फ कॉर्न ही है। इनके राइस बोल में सिर्फ पोटैटो फ्राइज है और कॉर्न है, बट आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टेस्ट, सो मैं टेस्ट करके बताती हूँ।
बिल्कुल फ्लैट है, कोई टेस्ट ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉर्न और पेरी पेरी का टेस्ट आ रहा है और राइस भी काफी हार्ड है और बिल्कुल फ्लैट है ऑन द पैलेट। सो मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। एंड अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे प्राइस वाइज तो 50 रुपीज में ये ओके है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, और ये 150 रुपीज में ओके है प्राइस वाइज, ठीक है प्राइस वाइज मैं दोनों को थम्स अप दूंगी, बट क्वालिटी वाइज आई थिंक KFC का राइस बोल इज मच बेटर देन द बर्गर किंग, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इनके राइस में भी बहुत फ्लेवर था, मतलब मुंह में लेते ही एकदम टेस्ट को इन्हांस कर दिया था, इनका पैटी भी काफ़ी अच्छा था, वेयर एज बर्गर किंग वॉज लाइक फ्लैट ऑन द पैलेट। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सो आई विल लाइक गिव दिस 10 out of 9 एंड दिस 10 out of 8। सो इन दिस रिव्यू मैंने देखा कि जैसे KFC के कुछ आइटम्स दे आर डूइंग ग्रेट, जैसे कि लाइक द राइस बोल, अगर आप राइस बोल खाना चाहेंगे तो आई सजेस्ट कि आप KFC यू ले, और अगर आप बर्गर ट्राई करना चाहेंगे सो प्लीज गो फॉर बर्गर किंग। एंड इट इज रियली टफ टू से विच वन इज द बेस्ट, क्योंकि किसी के कुछ आइटम अच्छे हैं तो किसी के कुछ आइटम अच्छे हैं, जो मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया। सो या दैट वॉज माई रिव्यू फॉर टूडे। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो सो मुझे जरूर बताइएगा, सो आई कैन कम अप विद सम अमेजिंग रिव्यू वीडियोज एज वेल। और आप क्या देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो इसलिए प्लीज आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड आई एम देयर इन इंस्टा एज वेल, माई चैनल्स नेम इज वर्ल्ड ऑफ श्वेता, सो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई कम वेरी सून विद सम न्यू अमेजिंग वीडियो। टिल देन एज यूजुअल लव यू ऑल। Bye-bye.